तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न एटीएम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहिए पूरे वीडियो में, लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको मैं बीच बीच में देता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 2 सेकंड लगेगा, जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे कहने पे, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन है, भूकंप से होने वाली हानि निम्न में से किस पर निर्भर करती है। भूकंप से होने वाली हानि निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तीव्रता पर, आकार पर, गहनता एवं स्थिति पर, यह सभी। तीव्रता पर, आकार पर, गहनता एवं स्थिति पर, यह सभी। तो आप लोग भी अपना अपना क्वेश्चन अपने मन में रखिए, मैं बता रहा हूँ, मिलाइए, देखिए किसका कितना सही जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से किसकी तैयारी हो रही है, आप लोग भी मिलाते रहिए। तो इसका सही जवाब है ये सभी, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीव्रता, आकार, गहनता, स्थिति, इन सभी पर भूकंप से होने वाली हानि निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप प्रतिरोधक डिजाइन सिद्धांत से संबंधित व्यापक श्रेणी है। भूकंप प्रतिरोधक डिजाइन सिद्धांत से संबंधित व्यापक श्रेणी है। पहला है इमारत आयोजना एवं अभिन्यास द्वारा कक्षों, दीवारों और तलों का उपयुक्त व्यवस्थापन। अगला है अभिन्यास एवं सामान्य डिजाइन में अंतिम प्रतिरोध क्षमता को ध्यान में रखना। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग भी अपना अपना आंसर अपने मन में रखिए। इमारत आयोजना एवं अभिन्यास द्वारा कक्षों, दीवारों और तलों का उपयुक्त व्यवस्थापन। अगला अभिन्यास एवं सामान्य डिजाइन में अंतिम प्रतिरोध क्षमता को ध्यान में रखना। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। देखिए, इमारत आयोजना अभिन्यास द्वारा कक्षों एवं तलों का उपयुक्त व्यवस्थापन, मतलब कक्ष, देखिए इमारत आयोजना अभिन्यास के द्वारा कक्षा और तलों का सही जगह पे व्यवस्थापन मतलब बनाना, और अभिन्यास एवं सामान्य डिजाइन में अंतिम प्रतिरोध क्षमता को ध्यान में रखते हुए बनाना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भवनों को तापरोधी बनाना किस बात पर निर्भर करता है। भवनों को तापरोधी बनाना किस बात पर निर्भर करता है। पहला है भवन के अंदर तथा बाहर के ताप में अंतर पर, ताप संचरण की दर पर, माध्यम की सघनता पर, उपरोक्त सभी पर। भवन के अंदर तथा बाहर के ताप में अंतर पर, ताप संचरण की दर पर, भवन सॉरी माध्यम की सघनता पर और उपरोक्त सभी पर। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट करिए, अपने अपने मन में रखिए और मिलाइए। ठीक है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी पर, मतलब भवन के अंदर तथा बाहर के ताप में अंतर पर और ताप संचरण की दर पर और माध्यम की सघनता, इन सभी पर भवन तापरोधी बनाना निर्भर करता है, मतलब हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तापरोधी पदार्थ सामान्यतः किस मोटाई में मिलते हैं। तापरोधी पदार्थ सामान्यतः किस मोटाई में मिलते हैं, जो तापरोधी पदार्थ होते हैं किस मोटाई में मिलते हैं। ठीक है, 0.2 से 0.4 सेमी, 0.4 से 0.6 सेमी, 1.2 से 8 सेमी और 0.8 से 4 सेमी, 0.2 से 4 सेमी, 0.4 से 6 सेमी, 1.2 से 8 सेमी और डी नंबर है 0.8 से 4 सेमी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 1.2 से 8 सेमी, जो हमारा तापरोधी पदार्थ होता है सामान्यतः 1.2 से 8 सेंटीमीटर की मोटाई में मिलते हैं। ठीक है, तो सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हल्का एग्रीगेट वाला पदार्थ है। हल्का एग्रीगेट वाला पदार्थ है धमन भट्टी, स्लैग, जली हुई चिकनी मिट्टी का एग्रीगेट, बर्मिक्यूलाइट, उपरोक्त सभी। धमन भट्टी, स्लैग, जली हुई चिकनी मिट्टी का एग्रीगेट, वर्मिक्यूलाइट, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आप लोग का कितना कितना आंसर सही गया, आप लोग मिलाइए, उपरोक्त सभी, मतलब हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हल्का एग्रीगेट वाला पदार्थ
धमन भट्टी स्लैग जली हुई चिकनी मिट्टी का एग्रीगेट वर्मिक्यूलाइट ये सब पदार्थ हैं ठीक है धमन एग्रीगेट वाले पदार्थ हैं। हमारा डी नंबर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिरोधकता को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोधकता को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ए है ए बी है बी सी है कैपिटल आर और डी है एस। तो देखिए प्रतिरोध को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर ठीक है हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी कैपिटल आर से प्रतिरोधकता को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भवन के अंदर तथा बाहर की परिस्थितियों में ताप का संचरण अधिकतर किस विधि के द्वारा होता है। भवन के अंदर तथा बाहर की परिस्थितियों में ताप का संचरण अधिकतर किस विधि के द्वारा होता है। चालन द्वारा संवहन द्वारा एयर भी दोनों विकिरण द्वारा चालन द्वारा संवहन द्वारा एयर भी दोनों विकिरण द्वारा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है चालन द्वारा ठीक है। भवन के अंदर तथा बाहर की परिस्थितियों में ताप का संचरण चालन द्वारा होता है ठीक है चालन विधि द्वारा होता है मतलब ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट को कहते हैं। किसी पदार्थ के द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट को कहते हैं रोधकता प्रतिरोधकता चालकता स्वप्रेरकत्व। रोधकता प्रतिरोधकता चालकता स्वप्रेरकत्व आप लोग भी अपना आंसर मिला लीजिए। इसका सही जवाब है प्रतिरोधकता मतलब बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ के द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट को प्रतिरोधकता कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं मतलब हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इमारतों की भूकंप से सुरक्षा में प्रथम पद है। इमारतों की भूकंप से सुरक्षा में प्रथम पद है तैयारी उत्तरजीवी पुनर्प्राप्ति इनमें से कोई नहीं। तैयारी उत्तरजीवी पुनर्प्राप्ति इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है तैयारी ठीक है। इमारतों की भूकंप से सुरक्षा के लिए सबसे पहला पद है तैयारी। तैयारी करते हैं तभी हम लोग भूकंप से सुरक्षा पा सकते हैं तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग का कितना आंसर सही गया कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है तापरोधी पदार्थ है। तापरोधी पदार्थ है रबर स्लैब कार्कबोर्ड सेल्यूलर ग्लास स्लैब ये सभी। रबर स्लैब कार्कबोर्ड सेल्यूलर ग्लास स्लैब यह सभी। तो इसका सही जवाब है यह सभी। रबर स्लैब कार्कबोर्ड सेल्यूलर ग्लास स्लैब ये सभी जो हैं तापरोधी पदार्थ हैं ठीक है मतलब हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा कमेंट करिएगा बताइएगा कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।